गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, दिस इज गौतम कुमार टीचिंग यू सिविक्स चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल मीन्स हम लोग क्या समझते हैं, रूरल का अर्थ है ग्रामीण और एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन। तो बच्चों मैं इस चैप्टर को दो वीडियो में 10-10 मिनट के वीडियो में कंप्लीट करूंगा, आप लोग सावधानी से इसको सुनिए और समझिए। तो देखिए रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में एक शुरुआत होती है एक झगड़े से। एक गांव में मोहन एक किसान है, मोहन इज ए फार्मर, ठीक है। उसके पास छोटा जमीन का टुकड़ा है और मोहन के खेत से आगे जो है ये रघु का खेत है, ठीक है। मोहन के खेत से आगे रघु का खेत है। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन सुबह मोहन जाता है अपने खेत को देखने, तो देखता है कि ये रघु ने अपना जो आरा है, बन जिसे हम कहते खेतों में होता है ना, तो पहले जो ये आरा था उसको बढ़ा के इतना कर दिया है। पहले इतना था आरा, अब रघु का जमीन यहां तक आ गया है। तो अब जो है मोहन गुस्से में आ गया कि ऐसा क्यों किया रघु ने। तो वो जाता है रघु के यहाँ जाता है और कहता है कि आपने कैसे ये जमीन की आरा को बढ़ा लिया, अपना खेत का आकार बड़ा कर लिया। तो काफी गर्म बहस होती है वहां, और अंत में फिर क्या करता है कि रघु जो है वो अपने हेल्पर्स को बुलाता है और मर्सिलेसली मोहन को पीटता है। मोहन काफी इंजर्ड हो जाता है, हाथ और सर में काफी चोटें लगी। अब देखिए रघु के ऐसा करने का क्या कारण था, मोहन डरता क्यों था, कहने से हिचकता क्यों था, इसलिए कि रघु जो था वो उसके पास ढेर सारा जमीन था, यानी वो लैंड ओनर लैंड लॉर्ड जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा उसके चाचा जो थे वो क्या थे, वो पंचायत सरपंच थे। तो इसलिए रघु पावरफुल पर्सन था, इसलिए रघु ने क्या किया, मोहन को खूब पीटा। तो जब पीटा तो उसके बाद लोगों ने आया, बीच बचाव किया और रघु को मोहन को हटा के ले गया। उसके बाद ये विमर्श चलने लगी कि मामला क्यों ना थाना चला जाए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मामले को किसी बड़े थाना में क्यों ना ले जाए। तो मोहन कहता है कि नहीं, हम जिस पुलिस स्टेशन के एरिया में आते हैं, हमारे एरिया का जो पुलिस स्टेशन है उसी में हम जाके रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं। क्या करता है मोहन, अपने जब थानेदार SHO जो होता है वो रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं होता है, तो मोहन अपने पड़ोसियों को बुलाता है। पड़ोसी कहता है कि हाँ सर, मेरे सामने में इसको मर्सिलेसली बुरी तरह से पीटा गया, हम लोग यदि नहीं बचाते तो ये और ज्यादा इंजर्ड हो जाते। तो फिर SHO जो होता है वो तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, हम कल जो है एक पुलिस कांस्टेबल आपके गांव में भेज रहे हैं जो कि मामला की तहकीकात करेगी। करने के लिए अगले दिन पुलिस स्टेशन ऑफिसर भेजा जाता है। अब सवाल ये है कि पुलिस स्टेशन, पुलिस अपना काम किया लेकिन मामला आ जाता है खेत की जमीन को लेकर के, किसके पास कितना है। तो देखिए पुलिस क्या करेगा, पुलिस तो केस ही ना रिकॉर्ड करेगा, पुलिस मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। लेकिन जब जमीन की बात है तो जमीन का रिकॉर्ड कौन रखता है, जमीन का रिकॉर्ड रखता है पटवारी। पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, राजस्थान में पटवारी कहा जाता है, उसके बाद हरियाणा में पटवारी कहा जाता है, किसी राज्य में कानून को कहा जाता है, किसी जैसे बिहार में राजस्व कर्मचारी कहा जाता है या पंचायत सचिव कहा जाता है, UP में लेखपाल कहा जाता है। तो पुलिस स्टेशन पर जो हुआ उसके बाद मेंटेनेंस और लॉ ऑर्डर लैंड रिकॉर्ड की बात आ जाती है। तो पटवारी क्या करता है, जमीन का जितना भी लैंड रिकॉर्ड रखता है वो पटवारी रखता है। उसके बाद पटवारी क्या करता है कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है। पटवारी काम को सुपरवाइज कौन करता है, तहसीलदार जो होता है ना, वो सुपरवाइजर के काम का सुपरवाइज करता है। ये तहसीलदार जिसको हम इंग्लिश में CO कहते हैं, हिंदी में अंचलाधिकारी कहते हैं। तो मोहन एंड रघु वेयर आर गोइंग हिटेडली वेदर द कॉमन बाउंड्री ऑफ देयर लैंड हैज बीन शिफ्टेड। तो इस आरे को लेकर के जो विवाद था, तो मामला जाता है पटवारी के पास, क्योंकि पटवारी का काम होता है मेजरिंग लैंड यानी भूमि का मापन करना और लैंड रिकॉर्ड रखना। तो पटवारी इज नॉन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स।
किस कहीं कानून को कहीं लेखपाल आदि मैंने बता दिया, तो कहीं विलेज ऑफिसर कहा जाता है। तो द मैप एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज। और देखिए रिकॉर्ड क्या होता है कि जमीन का एक रिकॉर्ड जमींदार को दे दिया जाता है, ये जो भूमि का मालिक है ये, और बाकी रिकॉर्ड आज तो कंप्यूटराइज होने लगे, पहले कंप्यूटराइज नहीं था तो ढेर सारा बर्डन होता था एक कर्मचारी के ऊपर। तहसीलदार के पास मामला, तहसीलदार क्या करता है जमीन का रिकॉर्ड जो है वो देखता है, सुपरविजन करता है, पटवारी के वर्क को देखता है। पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू। लैंड रिवेन्यू का काम जो है ये भी किसका है, पटवारी का ही है। लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करना ये काम किसका है, पटवारी का है। तहसीलदार क्या करता है वो पटवारी के काम को सुपरवाइज करता है, ठीक है, उसका पर्यवेक्षण करता है पटवारी। अब देखिए जितने भी स्टेट हैं वो कई डिस्ट्रिक्ट में बटे होते हैं और हर ब्लॉक में एक सीओ होता है, अंचलाधिकारी होती है, और फिर लैंड रिकॉर्ड आप समझ सकते हैं, देख रहे हैं ये लैंड रिकॉर्ड का रसीद, ये उदाहरण एग्जांपल है, तो इसको आप दे सकते हैं। तो इस तरह से ये मामला, तो हम कहेंगे कि यदि कोई ग्रामीण मामला होता है, जमीन जगह का मामला होता है, पुलिस में मामला आता है, फिर मामला चल जाता है पटवारी के पास, फिर तहसीलदार के पास, फिर आ जाता है अनुमंडलाधिकारी के अंदर केस हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि रघु मोहन के बीच विवाद की जो जड़ थी वो जमीन को लेकर के थी, और पुलिस में क्या किएगा, पुलिस क्या किया, पुलिस का रोल था कि उसके एफआईआर को नोटिस किया, लिखित रूप में उससे आवेदन पिटीशन फाइल हुई, और फिर जाके पुलिस ने अगले दिन कांस्टेबल भेजा, मामला गया पटवारी के पास, फिर तहसीलदार के पास, तहसीलदार ने सुपरविजन किया। तो ये 10 मिनट कितने टाइम हुए,